करो, एक बार फिर से चर्चा में प्रस्ताव है हमारी मांगे, हमारी मांगे कोविड के दौरान कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता जिन तस्वीरों में देख रहे हैं ये कर्मचारियों ने मदद की, पहाड़ों तक ये पहुंचे थे न सिर्फ वैक्सीन लेकर के, लेकिन जो कोरोना की पहली वेव थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे वहां तक इन्होंने मदद करी थी काफी। स्वास्थ्य विभाग की जो बुनियादी ढांचा है जिसे हम कहते हैं उत्तराखंड में जो बुनियादी ढांचा है उसको पहुंचाने में मदद करी थी। सर आप बताएं आज ये स्थिति क्यों बन पाई है? देखिए सबसे पहले नमस्कार करते हैं, और आज उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के ही काम नहीं आ रही। जैसा कि आप देख रहे हैं हम सब लोग कोरोना वॉरियर्स हैं, हमने बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से, इतनी मेहनत से अपना काम किया है। आज हमें हमारे रोजी रोटी के लिए भी तरसना पड़ रहा है, हम सड़कों पर हैं। मैं शासन प्रशासन से यही उम्मीद लगाता हूं कि वो जल्द से जल्द संज्ञान ले इस विषय का। आप मानते किसकी गलती मानते हैं कि सरकार आपको पक्का करना नहीं चाहती? देखिए जब ये महामारी आई थी तब हमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमने काम किया था, और हमें लगता था कि हमारी रोजी रोटी भी इससे ही चलेगी, हमारी जीवन याचिका इससे ही चलेगी। आज लगता है कि हमने वो काम किया उसका फल हमें नहीं मिला। आपको लगता है किसकी गलती है, स्वास्थ्य मंत्री की गलती है या मुख्यमंत्री की गलती है? देखिए हम तो यही कहेंगे कि सभी एक ही पैमाने में आते हैं, हमारे लिए तो सरकार है, हम तो सरकार ही कहेंगे, वो सब लोग जो हैं सब एक ही पैमाने में, हम तो एक ही तरीके से देखते हैं, और मेरा मानना है कहीं ना कहीं सरकार को आज हमारी सुधबुद लेनी चाहिए। आपने कोविड वॉरियर की बात करी, मुझे याद है कि राजस्थान, पंजाब और कई स्टेट में उनको पक्का कर दिया गया या फिर ऐसी अस्थायी नौकरी पे रखा गया ताकि उनका वेतन आते रहे, रोजगार उनको मिलते रहे। आपके साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? सभी स्टेट में सभी कर्मचारियों को रोजगार दिया गया है और सभी को रोजी रोटी मिल रही है, सबको पक्का कर दिया गया। एक हमारा ही उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है और छोटा सा प्रदेश है, जैसा कि यहीं के युवा सड़कों पर हैं, आए दिन आप देखते हैं कहीं ना कहीं रोजगार के लिए तरस रहे हैं, और आज इतनी हमारी महिलाएं बहनें ये सब लोग जो सड़कों पर हैं सिर्फ रोजगार के लिए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका है जो हम आज सड़कों पर हैं। और लोगों से भी बातचीत करने की चाहेंगे, पूरा मैटर समझेंगे। कोरोना वॉरियर हैं, जिस वक्त कोरोना आया था उस वक्त इनका यूज किया गया था, लेकिन अब सरकार इन्हें नौकरी देना नहीं चाहती या फिर सरकार की मंशा नहीं है। सवाल सरकार से भी होंगे, सरकार की जनता से भी होंगे, क्योंकि उन्होंने उन्हें चुना है। सरकार को ये तय करना होगा कि इनको किस स्तर में और किस स्वास्थ्य विभाग में किस पोजीशन पे नौकरी देना चाहेंगे। कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आप बताएं कब से है, कब से जारी है धरना प्रदर्शन? नमस्कार सर, ये हमें पिछले 3 साल काम करने के बाद आज हमें बाहर किया गया, पहले भी 6 महीने के लिए बाहर कर दिया गया था। हमारा 6 महीने पूरा धरना प्रदर्शन चला था, जिस हिसाब से हमें 6 महीने की नौकरी दी, 6 महीने भी नहीं बोलूँगा, 6 महीने कुछ तो हमें प्रोसीजर पूरा करने में खत्म हो गया था। हमें 4 महीने कुछ महीने कुछ दिन जॉब मिली है, उसमें भी हमें फिर से बाहर कर दिया गया, 3 महीने हमें बीत भी गया, क्योंकि सरकार चाहती है कि फाइलों के अंदर हम आपका काम करवा रहे हैं, ये हो रहा सो रहा, झूठे आश्वासन क्षेत्रों में भी जाके सारे हमारे कोविड कर्मचारियों को आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रही है, पर फिर भी हमारे सद्बुद्ध लेने के लिए आज तक वो हमारे पास नहीं आए, ना ही कोई ऐसा आदेश जारी करेगा जिससे हमें रोजी रोटी या जॉब मिल सके। एक सवाल आपसे भी रहेगा, आपने कहा सरकार की गलती है, क्या सरकार में आपसे किसी से बात हुई है या फिर सरकार ने आपको सुना है या किससे बात हुई है सरकार में अब तक आपसे? जी सर, प्रत्येक क्षेत्र से हमारे कोविड कर्मचारी अस्पतालों से मैं जाके या मंत्रियों से जाके, सारे कोविड कर्मचारी मंत्रियों से या स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी से और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से आप लोग मिल चुके हैं? जी आज तक हमारे सारे कर्मचारी मिल चुके हैं, बट अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया जिससे हमें लगे कि सरकार हमारे पक्ष में कोई फैसला ले रही है, अभी तक ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आया सर। अगर सरकार आज आपकी बात नहीं सुनती है या फिर सरकार पीछे अपने कदम खींच लेती है तो इसके आगे का रोड मैप क्या होगा, क्या आगे तक आंदोलन जाएगा? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि हमें कल एक नया कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है, इसमें सारे पदाधिकारी निर्णय लेंगे इस बारे में कि आगे क्या रणनीति, पर जहां तक हमें ज्यादा पता है कि उसमें हम भूख हड़ताल या आत्मदाह की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हम इतने परेशान हो चुके हैं घर से, गांव से, हर जगह से इतने परेशान हो चुके हैं कि क्या करें, आज हमारे पास खाने के लिए ना खाना है, ना रोटी है, ना घर है। पूरी तरफ से जिस हिसाब से हमने कोविड में काम करा था, हो सकता था कि हमारा भविष्य इसमें सिक्योर हो जाए, इसलिए हमने इसमें कोविड में जी जान लगाई थी। आज कोविड का सारा काम हमने इतना बेखूबी नहीं बया कि गवर्नमेंट
कर्मचारी को लगता है कि हमारी गलती है। अगर हम उस टाइम नहीं होते तो आज गवर्नमेंट का एक भी कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं होता उस टाइम पे जैसे तैसे करके हमने कोविड को संभाला। गवर्नमेंट ने भी हमारी तारीफ करी, मुख्यमंत्री ने हमारी तारीफ करी, स्वयं स्वास्थ्य मंत्री ने हमारी तारीफ करी थी। जिस हिसाब से हमें काम करा था सारे लोगों ने हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला था सभी तरह से। पर आज क्या करें, इतना काम करके भी आज गवर्नमेंट हमारे सुधगुल लेने के लिए तैयार नहीं है। हमें सड़कों पे रेंगने के लिए छोड़ दिया है, सड़कों पे रेंगने के लिए छोड़ दिया है। आपको अगर एक और दो साल पहले की पुरानी स्थिति बताएं तो सरकार को बहुत जरूरत पड़ी थी इन लोगों को बुलाया गया था, स्पेशल इन्विटेशन दिया गया था, बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार इनको संबोधित किया, लेकिन स्थिति पलट गई, कोरोना खत्म हुआ, उसके बाद से स्थिति आपके सामने है। और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या है उनके मन के विचार, आप कहां से आए हैं, कितने दिन से धरना प्रदर्शन जारी है, क्या है उम्मीदें? उम्मीद सर बहुत कुछ लगा के आए हैं। मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूं। 5 दिनों से हम इधर भटक रहे हैं सर, स्थिति बहुत खराब है हमारी। वो कर्जा लेके आए हैं सर हम अपने वहाँ से, आने के लिए यहाँ पे किराया नहीं था हमारे पास। बड़ी उम्मीद लगा के आए हैं सरकार की, सरकार अब सुनेगी तब सुनेगी, पता नहीं हम भी नहीं जानते कि सरकार कब सुनेगी, पर हमें विश्वास है सरकार एक ना एक दिन, जिस तरह सरकार ने हम पे फूल बरसाए थे, एक ना एक दिन जरूर सरकार हमारी बात सुनेगी। महिलाओं से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और वो क्या सोचती है पूरे धरना प्रदर्शन के बारे में। क्या सरकार जिस प्रकार से दावा करती है कि वो महिलाओं के लिए हमेशा आगे रही है, कितनी आगे वो मानती है सरकार को और किस प्रकार से ये धरना प्रदर्शन आगे तक जारी रहने वाला है? मैम आप बताएं, नाम बताएं अपना, कहाँ से आई हैं आज आप देहरादून में? मेरा नाम सुशी रावत है, मैं यहीं देहरादून से हूँ। वैसे मैं बहुत रुपया दिल्ली से हूँ, मैं प्रजेंट टाइम में देहरादून हूँ दोनों हॉस्पिटल में। ये बताएं कि आपको धरना प्रदर्शन, आप घर का काम छोड़ करके यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे आई, आज ऐसी नौबत क्यों बन पाई है? जो सरकार ने हमें जब यहाँ पे तोड़ दिया है सारी जगह, हमारी जॉब छिन गई, तो घर भी तभी चलेगा जब हम लोग जॉब करेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं, चाहे मैं खुद हूँ चाहे और महिलाएं, जिनको स्वयं घर चलाना पड़ता है। आपको लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी? जिस प्रकार से सरकार पहले भी दावा करते आई है कि वो महिलाओं की बात सुनने में नंबर वन रही है और हमेशा महिलाओं की सुनती है। देखिए मेरे हिसाब से जितनी जगह तो मैं गई या मंत्री लोगों से मिली, जिनसे भी मिली, मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को इतना सम्मान ये सरकार देती होगी, क्योंकि जहाँ हम मिले हमें यही आंसर मिला कि हाँ तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन होगा कब, जब हम लोग सड़क पर भीख मांगने बैठ जाएंगे तब? हमारे मेरे हिसाब से तो महिलाओं का अगर सम्मान मिलता है तो आज तक दून हॉस्पिटल में इतनी हमारे साथ बहनें हम लोग हैं, क्यों हमारे जॉब वापस नहीं मिली, क्यों हमारे साथ जितने बच्चे हैं जिन्होंने कोविड काल में, देखो आप कोविड काल में सब लोग घर में थे, जॉब की जरूरत किसी को, जो निचले वर्ग के लोग थे उनको थी ना, हम लोगों ने जान में जोखिम करके ये जॉब की कि चलो हमारे लिए आगे के लिए सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे। अच्छे घर के लोग नहीं गए जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो नौकरी चाकरी है, वो क्यों गए? हम लोग गए ना क्योंकि हमें घर चलाने की जरूरत है, खासकर महिलाओं को, तो वो महिलाएं गई, गिनी चुनी महिलाएं, तो क्या सरकार उनके बारे में सोचती तो आज हमेशा सड़क पे रहते? तो देखा आपने किस प्रकार से कोरोना वॉरियर से, ये अगर आपको 2 साल पहले की बात होगी तो आपने इन्हीं के लिए तालियां और थालियां बजाई थी, लेकिन आज वो तालियां और थालियां आपकी भी सुन हो गई होंगी, सरकार की भी सुन हो गई होगी, क्योंकि आज ये धरना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त इन्हें आश्वासन दिया गया था, जिस वक्त कोविड का टाइम था, इन्हें बड़े ही सम्मानजनक से बुलाया गया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई गई थी कि इन्हें जॉब दी जाएगी, इन्हें पक्का किया जाएगा, लेकिन वादे वही है जो सरकार के मुंह से सुनने में हमेशा आते हैं कि बातें सब कुछ सही लगती हैं लेकिन ग्राउंड पे कुछ होता नहीं है, वैसी स्थिति अभी भी दिख रही है। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि सरकार कितनी ज्यादा मजबूर होगी, क्या इन्हें नौकरी मिल पाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप जुड़ते रहें उदय प्रभात न्यूज़ के साथ।